हाय एवरीवन, अगर आप भी अपनी गाड़ी के टायर्स अपग्रेड करवा रहे हो, बड़े साइज में जा रहे हो, तो ये वाली वीडियो जरूर देखकर जाना। क्योंकि जब मैंने अपनी गाड़ी के टायर्स अपग्रेड कराए, मुझे पूरे यूट्यूब पे एक भी सिंगल वीडियो नहीं मिली जिसमें ये बताया गया हो कि टायर अपग्रेड के ये फायदे होते हैं, ये नुकसान होते हैं। मैं अपना शेयर कर देता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है अभी, क्योंकि मैंने खुद के अपने अपग्रेड कराए थे। मैं बता देता हूँ, पहले इसमें थे 215/60R16 ब्रिजस्टोन के टायर्स, अभी हैं 225/55R17। ठीक है, अब अपग्रेडेशन दो तरीके की होती है, मैंने दोनों करवाई है। एक होता है कि आप टायर की विड्थ भी बढ़वाते हो, दूसरा होता है टायर का डायमीटर भी बढ़वाते हो। मैंने दोनों चीजें हुई हैं, हालांकि सिर्फ एक इंच जो है मैंने उसका डायमीटर बढ़वाया, 10mm की उसकी विड्थ बढ़ गई। ठीक है, अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, मेरे क्या फायदे नुकसान रहे हैं। नुकसान मैंने चार नोटिस करे अपने हिसाब से। नंबर वन, इसका माइलेज का। टायर जब भी आप बड़े डलवाते हो, विड्थ बढ़ जाती है तो वो रोड पे ज्यादा जगह लेके चलती है, उसकी वजह से आपकी माइलेज ड्रॉप होती है। मेरी जो माइलेज कम हुई है गाड़ी की, वो हुई है लगभग 2 km/h हल्की। अब जहाँ पे जो 14 की देती थी, अभी 12 की दे रही है। हाईवे पर अगर 20 निकाल रही थी तो अभी 18 निकाल रही है। मतलब जो भी आप -2 कर लो उसका। ठीक है, नंबर वन, ये जो नुकसान है आपको माइलेज का मिलने वाली, इसके लिए तैयार है ना। और जैसे जैसे विड्थ बढ़वाते जाओगे और इंचेस ये बढ़वाते जाओगे, जैसे 16 से 18 पे जाओगे या जो भी आप +2 +3 करोगे, माइलेज और ज्यादा ड्रॉप होती चली जाएगी, नंबर वन नुकसान। दूसरा, गाड़ी का स्टेयरिंग। ब्रेजा की ऑलरेडी जो है स्टेयरिंग रिस्पांस बहुत कमाल का है। स्टेयरिंग ऑटो रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो कमाल की इसकी स्टेयरिंग रोटेशन है, लेकिन अभी क्या है कि हल्की सी डाउन पड़ गई, बिल्कुल हल्की, आप नोटिस भी नहीं कर पा रहा हूं। इतनी है कि बहुत रेयर होती है, पहले थी कि बहुत तेज घूम कर आती थी, अभी हल्की सी उससे डाउन है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, 19-20 का फर्क है, अभी पहले 20 थी अभी 19 है। अगला नुकसान है कीचड़ का। अब चूंकि टायर की विड्थ भी बढ़ गई है, गाड़ी के बॉर्डर से बाहर निकल गए, गाड़ी की बाउंड्री से, तो अभी गंदी काफी करती है। पहले हो जाता था रनिंग बोर्ड थोड़ा बहुत गंदा करती थी, अभी पूरा रनिंग बोर्ड गंदा करती है। जितना मर्जी धीरे में चला लो, दरवाजे आधे गंदे तो कर ही कर देती है। तो ये है कि इसको धोने में, अब मान लो मेरी मेहनत थोड़ी सी बढ़ गई है, हल्का सा भी खींच के, मान लो रोड पे पानी भरा, उसे खींच के निकाल दी तो गंदी काफी ज्यादा कर देगी। तो ये एफर्ट्स आपके बढ़ने वाले, हालांकि अब किसी को इससे फर्क पड़ेगा किसी को नहीं पड़ेगा, धुलवाने वाला रखा हो या ज्यादा वॉशिंग कराते हो करवा सकते हो। एक नुकसान है जो मैंने पहले नहीं सोचा था, अभी आ रहा है, साइड वॉल कभी कभार टच कर जाती है। जितनी जगह में बेफिक्र होकर पहले निकाल देता था, अब उसमें नहीं निकलती है, क्योंकि अब रबर कहीं पे टच कर जाता है, साइड वॉल टायर की टच कर जाती है, क्योंकि गाड़ी के बॉर्डर, गाड़ी की बाउंड्री, फिर से मैं कह रहा हूँ, उससे बाहर निकल गए हैं टायर। अभी किसी के लिए फायदे की बात भी हो सकती है, पता है क्यों? अब गाड़ी की बॉडी से पहले आपके टायर ही टच कर जाते हैं, वही नुकसान झेल लेते हैं। अब मुझे नहीं पता किसके लिए फायदा है किसके लिए नुकसान है, अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन यस, साइड वॉल गाड़ी की जो है इसकी जरूर टच करेगी। और फायदे बताने से पहले फिर से मैं क्लियर कर दूं, अगर मैंने नहीं बताया, कि अभी फिलहाल मैं सिर्फ टायर्स की बात कर रहा हूं, अलॉयज और रिम की नहीं कर रहा हूं, खाली टायर की। ठीक है, चलो फायदों की बात कर लेते हैं। सो नंबर वन फायदा गाड़ी का, लुक्स बहुत अच्छे हो गए हैं गाड़ी के। सामने से अब देखते तो ज्यादा चौड़ी लगती है, ब्रॉड लुक आती है गाड़ी की, तो हाँ, लुक्स इनहांस हो गए। अब लोग पहल से ज्यादा अटेंशन गाड़ी को देते हैं, तो ये फैक्टर आपको जरूर मिलेगा। लोग टायर अपग्रेड क्यों कराते हैं? कोई फायदे के लिए नहीं कराते, सिर्फ अटेंशन के लिए करते हैं, तो अटेंशन गाड़ी को नो डाउट मिलेगी, तो ये तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लुक्स जो है टेंशन ग्रैब करेगी गाड़ी रोड के ऊपर। अगला पॉइंट है ग्रिप एंड स्टेबिलिटी। अब चूंकि टायर पहले इतना था, अभी इतना हो गया, तो ग्रिप बढ़ गई है, पैच उसका बढ़ गया, ट्रैक्शन बढ़ गई व्हील की, तो ज्यादा जमकर चलती है। कॉर्नरिंग में भी आपको हेल्प मिलती है, गाड़ी स्टेबल है, कोई वाइब्रेशन फील नहीं होंगे। वो मैं भी जैसे काफी डरा हुआ करता था पहले, कि अगर मैं अपग्रेड करा रहा हूँ कहीं हाई स्पीड पर जाके गाड़ी अनस्टेबल ना हो जाए, यू नो कॉर्नरिंग के टाइम पे कहीं गाड़ी स्किड ना कर जाए। एटलीस्ट 1 inch तक नहीं करेगी, उसके ऊपर अगर आप 16 से 20 जा रहे हो हवाबाजी के चक्कर में, वो तो करेगी। लेकिन अभी फिलहाल 1 inch तक की मैं बात करूं, उसमें आपकी ग्रिप एंड स्टेबिलिटी पहले से इंप्रूव मिलेगी। अगला पॉइंट है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग इंप्रूव हो जाती है गाड़ी की, इनफैक्ट वही टायर चौड़ा हो गया, ज्यादा पकड़ ले रहा है, पकड़ रोड पे जमा रहा है, तो ज्यादा जो है आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन ब्रेकिंग, ग्रिप, स्टेबिलिटी, तीन ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी गाड़ी के जो टायर्स आपने अभी लिए हैं उसकी मेक क्या है, कौन सी ब्रांड है, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। मेरे पहले भी ब्रिजस्टोन के थे, अभी भी ब्रिजस्टोन के हैं। इनफैक्ट जब मैंने चौड़े टायर डलवाए हैं तो मेरी नॉइज कम हो गई है, क्योंकि ये सीरीज अलग है। अभी पहले क्या था, T001 की सीरीज थी, अभी T005 की सीरीज है। ये थोड़े हाई एंड कार्स में भी आते हैं टायर्स, क्योंकि थोड़े महंगे पड़ते हैं। तो इसमें ये फायदा हो गया कि नॉइज पहले से भी कम है, क्योंकि टायर अब चौड़े हो गए फिर भी नॉइज कम है। तो ग्रिप हो गई, स्टेबिलिटी हो गई, ये आपके ब्रांड के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब चाइनीज टायर डलवा रहे हो तो आई कांट से एनीथिंग, लेकिन ब्रांडेड अगर टायर डलवा रहे हो
तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। अगले एक नुकसान ये भी हो सकता है कि कभी कभार हो सकता है कि अगर आपने टायर अपग्रेड करा लिया लेकिन एस्पेक्ट रेशियो कम नहीं करवाया तो व्हील आर्च के अंदर जो प्लास्टिक पार्ट है उसको टच कर सकता है। मेरे एक मड फ्लैप को टच कर रही थी क्योंकि एक्स्ट्रा रबर मैंने लगाया हुआ था, उसको काटना पड़ा। तो ये होता है कि जब भी टायर अपग्रेड होता है तो हल्का सा एस्पेक्ट रेशियो कम करना पड़ रहा है ताकि उसके फेंडर को टच ना करे अंदर की तरफ। तो ये कुछ था इस वीडियो में। और अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। देखो एक सलाह देता हूं बड़े भाई छोटे भाई होने के नाते, अगर सिर्फ आपको गाड़ी के लुक्स थोड़े बहुत इनहेंस करने, टायर अपग्रेड कराने, लेकिन ड्राइविंग डायनेमिक्स भी खराब नहीं करने, मेक श्योर आप प्लस वन इंच तक जा सकते हो। थोड़ा सा चौड़े डलवा लो, बहुत प्यारी लुक निखर कर आती है गाड़ी की। मेरी पहले की लुक अगर मेरे पास फोटो होगी तो डाल दूंगा, और अभी देखो अपग्रेड के बाद कितनी लुक इनहेंस होगी। जस्ट 16 से 17 करवाने पे, 215 से 225 करवाने पे गाड़ी की लुक ही चेंज हो गई है। साइड से गाड़ी बहुत हैवी बल्कि दिखाई देती है, तो ये चीज आप कर लेना। प्लस 2 इंचेस जाओगे, मैं नहीं कह सकता आपकी क्या चीज खराब हो सकती है। मान लो मैं अगर बात करूं क्या, जैसे वाइब्रेशन की, मैं नहीं कह सकता ब्रेकिंग कैसी रहेगी, वो तो चलो टायर के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन स्टेबिलिटी हाई स्पीड के ऊपर कैसे रहेगी, आई कांट से एनीथिंग। तो अगर लिमिट में गाड़ी को इनहेंस करवाना है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी करवानी है, प्लस 1 इंच तक जा सकते हो। बाकी सिर्फ हवाबाजी करनी है, रील डालनी है, कोई नॉलेजेबल चीजें नहीं बतानी है, किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, मान लो सिर्फ टाइम पास करना रील डालनी है, तो 18 भी जाओ, 20 जाओ, 25-26 जितना आपकी गाड़ी अलाउ करती है, या फेंडर कटवा दो पूरा, जो मर्जी आपको करना है मेरी तरह। लेकिन अगर सिंपल एंड सोबर रखनी है, थोड़े सा अपग्रेड कराना है, थोड़ा सा चस्का लगाना है, बस 1 इंच तक करवा लो, इससे ज्यादा मत करवाना। और इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम का एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको ज्वाइन कर लेना। रेगुलर अपडेट्स आते हैं, जैसे एक व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है उसमें मैं चीजें पब्लिश करता हूँ, कोई वीडियो आपसे मिस हो गई है, कोई और जरूरी इन्फॉर्मेशन है, वो वहां पे मैं डालता रहता हूँ, तो मेक श्योर उसको ज्वाइन कर लो। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।